गया में राजस्व अधिकारी किसान बन गई। जमीन विवाद का मामला सुलझाने गई थी। बीपीएससी पास कर गया जिले के खिजरसराय प्रखंड ब्लॉक ऑफिस में बतौर राजस्व अधिकारी काम करने वाली ममता कुमारी ने मजदूर महिलाओं के जुझारूपन और उनकी पीड़ा को समझने के लिए उनके साथ धान की रोपनी की। इस काम के पीछे इस महिला अफसर का उद्देश्य कीचड़ से सने खेत में धान के पौधे की रोपनी करने वाली महिलाओं की पीड़ा और उनके जुझारूपन को खुद से अनुभव करना था। दरअसल ममता कुमारी खिजरसराय प्रखंड के सोमरन बिगहा में जमीन विवाद का मामला सुलझाने गई थी। सोमरन बिगहा गांव में जाने के लिए खेत की पगडंडियों से ही जाना पड़ता है। जमीन का मामला सुलझाने के बाद जब वो पगडंडियों के सहारे वापस लौटी तो खेत में धान रोप रही महिलाओं को देख उनके अंदर भी धान रोपने की इच्छा होने लगी। वो भी धान रोपने के लिए कीचड़ में सने खेत में उतर गयी। करीब 15 मिनट तक उन्होंने धान के पौधे रोपे। राजस्व अधिकारी ममता ने बताया है कि जॉब में आने से पहले जब कभी खेत में धान रोपती हुई महिलाओं को देखती थी तो धान रोपने की इच्छा होती थी, साथ में यह जानने की इच्छा होती थी कि आखिर ये मजदूर महिलाएं गंदे पानी में घुसकर और कमर को लगातार 5 घंटे तक बैंड कर कैसे काम कर लेती है। वास्तव में ये महिलाएं हम आम महिलाओं से हर मामले में ग्रस्त है। इस कठिन काम के बीच बगैर उफ किए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सहती ही रहती है। राजस्व अधिकारी कीचड़ से सने खेत में नंगे पांव उतरकर धान रोपने लगी तो उस खेत में धान रोप रही महिलाओं ने हंसते हुए कहा कि मैडम रहने दीजिए, आपका फ्रॉकवा गंदा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ना तो अपने पैरों की तनिक परवाह की और ना ही अपने महंगे कपड़ों की। उन्होंने करीब 15 मिनट तक झुक कर लगातार धान के पौधे रोपे। ममता की लगन व धान रोपने की कोशिश को देख मजदूर महिलाओं को कहना पड़ा कि मैडम तो बढ़िया से रोप रही है धान। इस बीच एक शख्स ने ये भी कह दिया कि बढ़िया से मूली रोपे मैडम, मजदूरी भी मिलेगी 5 किलो चावल। IVTV देखता है इंडिया।